रहमान रहीम, मैं सर महमूद, रेकी माइंड साइंस हेप्नोथेरापी सेंटर, तारिक रोड, कराची। आज मैं जो चक्रे के बारे में बताऊंगा, जो इंसानी के जिस्म में जो तवानाई के पहिए हैं उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको आगही हो। जैसा हम पानी पी लेते हैं, खाली हम तो पानी पी लेते हैं, लेकिन वो पानी कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, क्या क्या काम करता है, हमारे जिस्म में कितनी मेहनत करते हैं। हमारे जिस्म में जो 7 तवानाई के पहिए हैं, एक किस्म समझ लें जनरेटर है, वो काम करते हैं तब जाके हमारी ज़िंदगी अमल में आती है। हम घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते जाते हैं। देखिए, पूरी कायनात एनर्जी सी बनी है, एनर्जी हर जगह मौजूद है, जो ज़िंदगी रखती है। जानदारों के जज्बात, एहसासात, रूहानी ख्यालात इंसान की रूह की शक्ल में इंसान के अंदर सफ़र करती रहती है। इसके बारे में आज मैं बताऊँगा चक्रा होता है क्या है। देखिए, हर इंसान के अंदर, जैसा आपने देखा है, जब बारिश होती है तो आप कौसे कजा के रंग देखते हैं आसमान में, एक रेनबो सा बना हुआ होता है, तो वही कलर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में डाले हैं। अगर वो कलर में फ़र्क पड़ जाए तो फिर आस्ते आस्ते तकलीफ़ें जन्म लेने लगती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं अगर पेट का कोई मसला होता तो पेट का चक्रा ख़राब होता है तभी कोई मसला हो जाता है, अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो तो दिल का चक्रा हो जाता है, अगर बोलने में, गाने में, एहसास करने में हो तो थायराइड चक्रा ख़राब हो जाता है, नींद का प्रॉब्लम है, सोचने की सलाहियत कम होगी, उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, तो थर्ड आई चक्रा ख़राब हो जाता है, और सोचने में रात को सो रहे हैं बेख्वाबी हो रही तो ऊपर का चक्रा वो ख़राब हो जाता है। तो इसके बारे में बिल्कुल आप तफसील से आपको बताऊँगा, और फिर इसको बैलेंस करने के मुताबिक बताऊँगा कि ज़रूरी नहीं रेकी सीखने वाले करें। मैं जो प्रोग्राम करता हूँ सब लोगों की भलाई के लिए, एक आम आदमी भी घर में कर सकता, ख़वातीन भी कर सकते, बुजुर्ग भी कर सकते, बच्चे भी कर सकते। अगर बुजुर्ग, ख़वातीन, जवान जो भी करके कहीं जाना चाहते हैं, रात को कर लें, सुबह कर लें और उस जगह जाएं, तो देखिएगा बहुत तवनाई और बहुत अच्छे खुश मिजाजी से जाएंगे, उनका काम हो जाएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ रूट चक्रा होता है क्या है। रूट चक्रा जो है ज़मीन से हमारा ताल्लुक रखता है। रूट चक्रा होता है हमारी रीढ़ की हड्डी पे। जैसे फर्स्ट कर लीजिए, रीढ़ के आखिरी हड्डी जैसा दुम लगी तो कहाँ लगेंगी, रीढ़ की हड्डी पे। तो उसका कलर होता है रेड। अगर वो उसमें धब्बा पड़ जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई मसले मसाइल हो जाए, तो हमारे कमर से लेके पैर तक मसले मसाइल होते हैं। आपने देखा होगा उंगली का सुन हो जाना, पैर का दर्द हो जाना, घुटने के मसले आ जाना, कमर में दर्द हो जाना, कोई ना कोई मसला होता रहता है। तो समझ लो रूट चक्रे में ज़रूर कोई ना कोई ख़राबी है। असल बुनियादी चक्रा जो होता है रूट चक्रा होता है। बुनियाद अच्छी होती है तो देखिए इमारत भी अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है जब इमारत बनाए तो पक्की जगह बनाए। रेतीली जगह में बुनियाद इमारत ना बने, धस जाएगी। तो पक्की जगह इमारत बनाएंगे तो आपकी इमारत बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत होगी। तो आपका रूट चक्रा जो हो वो एक बुनियाद है, ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका कलर लाल है। अगर इस कलर में धब्बा पड़ जाए, कोई मसले मसल आ जाए, तो ये जो तकलीफ़ें मैं बताएं, ये तकलीफ़ें जन्म लेती हैं। पैरों में दर्द होगा, रात को आप सोते रहेंगे तो पिंजड़ी में दर्द होगा, आप पटकते रहेंगे, पैर सुन हो जाएगा। तो इस कलर में, इस चक्रे में ज़रूर कोई ना कोई मसला है, तो इस वजह से तकलीफ होती है। ये रूट चक्रे के बारे में आखिरी में तमाम ये बैलेंस करना मैं बताऊंगा, और इसको पूरी गौर से सुनिए। अब उससे 1.5 इंच 2 इंच के फासले पे जिंसी चक्रा कहलाता है। उस चक्रे का कलर ऑरेंज है, नारंगी कलर है। उसमें जो है जुमला इमराज, पेशाब के है, दूसरे हैं, डिलीवरी का मसला है, कुछ और मसले मसाइल है, तो वो अगर कलर में फ़र्क पड़ जाए तो ये जन्म ले लेते हैं। उसकी वजह से आप देख लीजिए, जैसे मासूम बच्चे हैं पेशाब कर देते हैं, बड़ों का कोई मसला हो गया, और भी कोई बच्चियों के मसले आ जाते हैं, तो नारंगी कलर का है तो उसमें ज़रूर कोई धब्बा, कोई मसला मसाइल आ जाते हैं, तो वो मसले मसाइल की वजह से तकलीफ़ें पैदा हो जाती है। उसको भी बैलेंस करने का तरीका और किस तरह क्या खाने का तरीका मैं बताऊँगा। ये दूसरा चक्रा है, सर्कुलर चक्रा, जिसको नारंगी कलर है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा ऊपर, सोलो फ्लेक्सिक चक्रा नाफ के साथ होता है, जिसका कलर पीला है। वो पेट से ताल्लुक़ रखता है और उसका कलर पीला है। पेट के जुमला अमराज, दिल घुटते हैं, आते हैं, ये सब पे काम करता है। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, अब भी अगर कोई पेट ख़राब होता था
पीला कलर यूं हमारे बुजुर्ग पहले से हमें बताते चले आ रहे हैं कि पेट खराब होता था तो कहते पपीता खा लो। पपीता देखिए किस कलर का होता, पीला कलर का। ये तो आप तो साइंस बताने लगी ना कलर वलर, ये तो हमारे बुजुर्ग हस्ती पहले से बताते रहे, हमारे दिन का हिस्सा। तो पीला कलर, पीले कलर में अगर कोई धब्बा पड़ जाए, कोई मसले मसाले आ जाए तो पेट की बीमारियां जैसे कब्ज हो गया, उजलाब हो गए, कोई मसले मसाले आ गए तो इसको आप अगर रेकी सीखे हैं तो रेकी देके आप इस चक्रे को बैलेंस करते हैं। अगर नहीं भी सीखे हैं तो उसका पूरा मेथड अभी मैं आखिरी में पूरा बताऊंगा ताकि आपको फ़ायदा हो। अब आ जाते हैं हार्ट चक्र। हार्ट से मतलब यहाँ नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बीच, दिल के बीच में होता है। ये जो हमारे खुशी का इजहार है, किसी को खुशी पहुँचाना, खुश होना, चाहत है, मोहब्बत है, प्यार है, इससे जन्म लेता है ये सारी, ये चक्र काम करता है। अगर ये चक्रे में कोई धब्बा हो जाए, जब बीपी हाई हो गया, लो हो गया, ब्लड प्रेशर ये हो गया, मायूस हो गए, कहते हैं ना दिल नहीं चाह रहा, ये नहीं चाह रहा, ये हार्ट चक्रे में, यानी इसका कलर है ग्रीन। ग्रीन देख लीजिए, पूरी कायनात में अल्लाह ताला ग्रीन कलर इसलिए बनाया कि पूरी कायनात चलती है। तो ग्रीन कलर में अगर कोई मसले मसाले आ जाए, कोई धब्बा पड़ जाए, कुछ हो जाए तो आप मायूस होकर बैठ जाते हैं, जी नहीं चाह रहे, चाह रहे, तो इस कलर के खराबी की वजह से ये चक्र अनबैलेंस हो जाता है, तो ये मसले मसाइल आते हैं। अब हम आते हैं ये थायराइड चक्र। ये थायराइड चक्र है जो, देखिए ये थायराइड चक्र उस वक्त अनबैलेंस हो जाता है, देखा होगा गला खराब हो गया है, आप इजहार नहीं करते हैं, ना आप कुरान पाक सही से पढ़ सकते हैं, अजान नहीं दे सकते हैं, किसी को आवाज़ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कहते गला खराब हो गया। तो इसका कलर ब्लू है। ये ब्लू कलर जो है खराब हो जाए या अनबैलेंस हो जाए तो ये कलर आपको, ये बात बताते चलिए, देखिएगा विक्स की जो आप वो लेते हैं विक्स वेपर अब, तो उसकी शीशी देखिए ब्लू बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है, उनको पहले पता था इसका कलर ब्लू, तो उसी लिए उस शीशी में ब्लू कलर के अंदर भी डाला ताकि आपकी सांस और ये थायराइड सही हो जाए, लॉजिक को समझे। ये मैं हर अपने लेक्चर में बताते रहता हूँ। तो ये कलर में कुछ मसले मसाले आ जाए तो ये इजहार करने में, बोलने में, नात पढ़ने में, कुछ कुरान पढ़ने में, अजान देने में, तिलावत करने में फ़र्क पड़ जाता है, आप इजहार नहीं करते तो ये ब्लू कलर का चक्र जो है इसमें जो है ज़रूर कोई ना कोई मसले मसाइल आ गए हैं। अब हम आते हैं ये थर्ड आई चक्र, जो ये बता रहा हूँ ये थर्ड आई चक्र, ये जो हम नारी रूहानियत से रखता है, सोचों से ताल्लुक़ रखता है, हम सोचते हैं, कोई भी सोच है जो यहाँ चल रही होती है, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, ये दोनों से ताल्लुक रख। अब सोचने की सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो चीज़ें हैं, आप किसी चीज़ को पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं, ये आपके अख्तियार में, जो आपके अख्तियार में वो काम करे, जो आपके अख्तियार में काम नहीं है वो छोड़ दे। असल होता है तकलीफ़ें बीमारियाँ आती जो हमारे अख्तियार में नहीं होता उस चीज़ को हम पकड़ते, तो इस जो है जामनी कलर, इंडिगो कलर, जामनी कलर का धब्बा जब अनबैलेंस हो जाता है तो देखिए नींद के मसले मसाइल आ जाते हैं, सोचने से अजीब सा होता है, छिड़छिड़ापन आ गया, किसी दिल नहीं चाह रहा, बात करने का दिल नहीं चाह रहा, कोई चीज़ सही समझ में नहीं आ रही, भूल जा रहे हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, बार बार तकलीफ़ उठे, सो गए उठ के बैठ गए फिर सो गए उठ के, तो ये चक्र जो है अनबैलेंस हो जाता है, इसके वजह से ये तकलीफें आ जाती। अब हम आते क्राउन चक्र। क्राउन चक्र यानी सर के ऊपर देखिए बालों के बीच में गोल सा एक बना रहता है, उसको क्राउन चक्र बोलते हैं। खवातीन हजरात दोनों का होता है, देखिएगा बालों के बीच में गोल होता है, वो आसमान से ताल्लुक़ रखता है और वो रूहानियत से ताल्लुक़ रखता है, तमाम खजाने वहाँ पर है, तमाम चीज़ सोचने का ताल्लुक़ रखता है। इसका कलर वायलेट या वाइट है। ये अगर अनबैलेंस हो जाए तो हमारे नींद की ख़राबी, बेख्वाबी, उल्टे सीधे ख्याल, परेशानी, बेचैनी, किसी से बात नहीं करना, मायूस होकर बैठ जाना, किसी का आना पसंद नहीं करते, कहीं जाना पसंद नहीं करते, कहते सब कुछ अजीब सा हो गया है, ये सारा चीज़ें जो सारी चीज़ें जो हैं चक्रे से ताल्लुक़ रखती है, इस वजह से मसले मसाइल आ जाते हैं। अब मैं इसका मेथड बताता हूँ कि क्या करना है आपको। आपने करना है पानी पीना है पहले रात को सोने से पहले या सुबह के वक्त, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, बहुत प्यारा गुजरेगा, खुदगवाज गुजरेगा, और देखिएगा करते रहेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। तो आपको सीधे खड़े हो जाने हैं, आंखें बंद करके, पैर ज़मीन से टच होने चाहिए, चाहे आप ज़मीन पे टच कर लें, चाहे दो मंजिला हो या तीन मंजिला हो,
नंगे पैर होना चाहिए, चप्पल पहन के ये नहीं होगा। जैसा दरख्त ज़मीन से जुड़े हुए एनर्जी ले रहे, देखिए अल्लाह ताला उसी दरख्त ज़मीन से जुड़े हुए हर चीज़ एनर्जी दे रही। क्या अल्लाह ताला के कमालात है, देखे ज़मीन से वही पानी जाता है, मीठे नमकीन ये हर तरह के फल अल्लाह पाक दे देते हैं। तो आपको आँख बंद करके खड़े रहना है और ज़मीन के आपने ये सोचना, मेरे पैर जैसा दरख्त ज़मीन से जुड़े हुए, मेरे पैर भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और आंखें बंद करके तसव्वुर करना है कि मेरे दोनों पैरों से एक कुव्वत आ रही है, दोनों टांगों से एक कुव्वत आ रही है, मेरी कुव्वत आकर मेरी रीढ़ की हड्डी के पास आ गई है। और आने के बाद आपने फीलिंग करना है कि रेड कलर, दिल में सोचना है कि रेड कलर फील हो गया है, मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और दिल में बोलना है रेड कलर। उसके बाद एक गहरी सांस लेना, नाक से ले से मुंह से निकाल देना, ये चक्रा आपका बैलेंस हो जाएगा। फिर उसी बात थोड़े देर के बाद फिर आराम से उसी कुव्वत को खींच के एक डेढ़ इंच पे लाना जिंसी चक्रा पे, तो आपने ऑरेंज कलर महसूस करना, नारंगी कलर महसूस करना, माल्टी कलर महसूस करना है और फील करना है कि ये जो जुमला अमराज मेरे थे वो बिल्कुल सही हो गए, फर्स्ट क्लास है। खुशी का इजहार करना है, मेरे यहाँ की जो तकलीफें थे दूर हो गई है। और दिल में बोलना है ऑरेंज कलर या माल्टी कलर आपने महसूस करना। उसके बाद एक नाक से सांस लेना, मुंह से निकाल देना, ये बैलेंस हो जाएगा। फिर इसी कुव्वत को आराम से खींचना, ये सब आँख बंद करके आपको करना है, आराम से नाप के हिस्से पे लाना है। अब ये कुव्वत नाप तक आ गई है तो इसका पीला कलर सोचना, जैसा हल्दी पीली होती है, सूरजमुखी का फूल पीला होता है, केला देखें जब पक जाता है तो बिल्कुल पीला होता है, गेंदे का फूल है, इस तरह आपने सोचना है कि मेरे ये नाफ के हिस्से का जो चक्रा है बिल्कुल पीला है, बैलेंस हो गया, तमाम जुमला अमराज मेरे पेट के बैलेंस हो गए, सब सही हो गए, गुर्दे सही हो गए, आंतें सही हो गई, तमाम चीज़ बैलेंस हो गई, अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं इजहार कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मेरा चक्रा बैलेंस हो गया। दिल में बोलना पीला कलर। उसके बाद इसी कुव्वत को बिल्कुल खींच के बिल्कुल सीने के बीच में लाना है, ला के अब आराम से दिल का चक्र को कहना है, अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से सब खुश है, सब मुझसे खुश है, मैं दूसरे से प्यार करती हूँ, दूसरे मुझसे प्यार करते हैं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, मैं सबके लिए अच्छी बात करती हूँ, मेरा चक्र बैलेंस हूँ, मेरे को कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। तो आपका ये ग्रीन कलर महसूस करना, ग्रीन कलर जो बिल्कुल हरा कलर होता है, पूरी कायनात में देखिए जितने दरख्त पौधे सब हरे कलर का है, तो सुकून का कलर है ये। तो आपने सुकून महसूस करना, दिल में बोलना है ग्रीन कलर बैलेंस हो गया है। अब इसी कुव्वत को खींच के थायराइड तक लाना है, ला के आपने ब्लू कलर महसूस करना, आसमानी ब्लू कलर महसूस करना है, महसूस करके ये कहना है कि मैं, मेरा ये चक्रा बैलेंस हो गया है, अब मैं गाने में, इजहार करने में, बोलने में, कुरान पढ़ने में, नात पढ़ने में मैं बिल्कुल फिट हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, अब मैं सबको इजहार कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मेरा ये चक्रा बैलेंस हो गया। और दिल में ब्लू कलर सोच बोलना है, अपने ब्लू कलर। फिर इसी कुव्वत को खींच के यहाँ लाना, ये ठाड़ के बीच माथे के बीच में, इसका कलर जामनी है। यहाँ लाने के बाद आंखें बंद करके करना, ये सोचना है आपने कि मेरा जामनी कलर, इंडिगो कलर फिल हो गया, मेरी सोचने की सलाहियत बहुत अच्छी हो गई, नींद की सलाहियत अच्छी हो गई है, जो भी मैं अच्छा सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, दूसरे के बारे में जो भी सोचती हूँ वो पूरा हो जाता, मैं बहुत खुश हूँ, अपने जिस्म से खुश हूँ, अपनी कायनात से खुश हूँ, मैं दूसरे से, मैं हर वक्त सबको दुआ देती हूँ, सब मुझे दुआ देते हैं, मेरे जहन में हर वक्त दुआ दुआ निकलती है, मैं सारे लोगों को अच्छी बात करती हूँ, अच्छी बात सोचती हूँ, देखिएगा आप खुश हो गए। उसी तरह से इसी को खींच के फिर ये क्राउन चक्र जो बालों के बीच में होता है यहाँ लेकर आके सोचना है, और ये सोचना है इसका कलर वायलेट वाइट है, और ये वायलेट कलर जो आसमान से ताल्लुक रखता है, बैलेंस हो चुका है, पूरी कायनात से जुड़ा हुआ है, अब मेरे सोचने की सलाहियत अच्छी हो गई है, तमाम खजाने मेरे दिमाग में हैं, तमाम कायनात की चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, सब कुछ मेरे दिमाग में, जो जो मेरे दिमाग में खजाने हैं, जो अच्छी चीज़ सोचती हैं, आइंदा का सोचती है, हाल का सोचती हूँ, आगे का सोचती हूँ, और सब काम मेरे फर्स्ट क्लास हो रहे, फर्स्ट क्लास हो रहे। फिर उसके बाद एक सांस लेना, नाक से निकालना,
उसके बाद आराम से उसके बाद आंखें बंद करके कुव्वत को सोच लेंगे, बाहर से निकल कर वापिस ज़मीन में चले गई, आपका पूरा चक्रा बैलेंस हो गया, आप खुश हैं, आप दिल में सोचना मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी इज्जत होती, जो भी काम करने जाती पूरा हो जाते हैं, जो भी मसले मेरे पूरे हो जाते, अब मेरे हालात बहुत अच्छे हैं कि मैं बहुत अच्छी हो गई, तो ये पूरी चीज़ सोच के उसके बाद एक से लेके सात तक गिनती गिनना है। वन गिनना है तो रेड कलर बोलना है, टू गिनना है तो ऑरेंज कलर बोलना है, थ्री गिनना है तो पीला कलर कहना, फोर गिनना है तो ग्रीन कलर गिनना, फाइव गिनना है तो थायराइड करना, सिक्स गिनना है तो जामनी कलर सोचना, सेवन गिनना तो वायलेट या गोल्ड सोचना, उसका तीन गहरी सांस लेना, नाक से खींचा मुंह से निकालना, फिर आराम से हाथ खोल लेना, देखिएगा आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छी फील करेंगे। और ये करने के बाद जो भी कमेंट है कुछ भी है आप ज़रूर फ़ोन करके या बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अब मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों को खुशी होगी कि सर महमूद बहुत अच्छी अच्छी बात है, ये ख़वातीन हज़रात बच्चे सब कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि रेगी सीखने वाला करे, हर कोई कर सकता, सबको फ़ायदा होता, सबको इजाज़त है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। शुक्रिया।